क्यूटीज, तो आज मैं आपको रियलिटी चेक देने वाली हूँ। जो रियलिटी चेक मेरे को मिला है वो मैं आपको दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्यूटीज, एग्रीकल्चर में क्या मिथ्स आपको लगती हैं, कि क्या लगता है आपको कि एग्रीकल्चर ऐसा होगा वैसा होगा? तो सबसे पहली मिथ, हाँ पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत होगा एंड इट्स लाइक हो ही जाएगा। तो क्यूटीज, 11 11 सब्जेक्ट बिना छुट्टियों के देने पड़ेंगे ना, तब पता लगता है कितना पढ़ना पड़ता है। ठीक है, 9 9 10 10 प्रैक्टिकल, फिर उसके बाद 11 पेपर। भाई जो लंका लगती है ना, यू कांट इमेजिन। मिथ नंबर 2, एग्रीकल्चर है तो फील्ड वर्क ही होगा, पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा थ्योरी तो होती नहीं होगी। भाई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर थ्योरी थ्योरी थ्योरी, ठीक है, थर्ड ईयर में थोड़ी बहुत आपको सोइंग का एक कोर्स होगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल्स होते हैं, बट इतने नहीं होते जितने तुम सोचते हो। भाई तुम्हें पढ़नी होती है हॉटी, एंटो, ठीक है, VSF, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है, इंजीनियरिंग पढ़नी होती है, ठीक है, सोयल साइंसेज पढ़नी होती है, एग्रोनॉमी पढ़नी होती है, एग्रोनॉमी के भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मेटोलॉजी होती है आपकी, नॉर्मल क्रॉप प्रोडक्शन होती है, फिर उसके अलावा आपकी फार्मिंग सिस्टम होती है, फिर दूसरी एग्रोनॉमी भी होती है, ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो टोटल आपको 45 कोर्सेज होते हैं इस डिग्री में, तो आपको सारे क्लियर करने पड़ते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। मिथ नंबर 3, अरे नंबर तो मिल ही जाते होंगे तुम्हें, क्या है, पास तो हो ही जाते हैं, नंबर आ ही जाते हैं, इतना मुश्किल तो है नहीं। भाई ठीक है, तुम्हें जेनेटिक्स से लेके इकोनॉमिक्स से लेके इंजीनियर तक, इंजीनियरिंग तक की वैसे टाइल आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, और पासिंग मार्क्स आपके होते हैं 50, ठीक है, 100 मार्क्स होते हैं टोटल, और इसमें भी ऐसा होता है कि 20 मिड टर्म में आपको आने चाहिए और 20 इंटर में आने चाहिए, मतलब मिड टर्म में प्रैक्टिकल मिला के 20 होने चाहिए, वो होने चाहिए। अगर आपको 50 बन भी जाते हैं एग्रीगेट, बट आपका ऐसा नहीं है तो नुप्स। मिथ नंबर 4th, एग्रीकल्चर लग लो कर लो, जॉब्स ही जॉब्स हैं, बहुत सारे जॉब। भाई वो था 10 ईयर बैक वाला सर्कमस्टांस, ठीक है, अब इतने सारे बच्चे करते हैं, ठीक है, हमारे बैच ही 140 का है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है, बट कॉम्पिटिशन अब पीक पे है, ठीक है, पहले कंपटीशन नहीं होता था, थोड़े बहुत बच्चे होते तो इट वाज लाइक कि थोड़े बहुत है, MSc वालों PG वालों लग जाती, क्योंकि वैकेंसी होती थी। अब ऐसे है कि वैकेंसी कम है, कैंडिडेट्स ज़्यादा है, ठीक है, एंड हार्ड फैक्ट ये भी है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से मतलब पढ़ते हैं वो इनको MSc में यहाँ पर सीट नहीं मिलती, तो इमेजिन कर लो कि कितने मतलब बच्चे अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो अवेयरनेस नहीं थी, अब बहुत अवेयरनेस है, तो इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी नहीं करोगे और मज़े ही मज़े हैं, पैसा ही पैसा है, ऐसे नहीं है। नेक्स्ट मिथ, जो मेरे कजन से छोटे छोटे उनसे मैं मोस्टली सुनती हूँ, भाई खेती तो करनी है, तेरे को तो काम ही नहीं है, तेरे को गोबर तो उठाना ही, ठीक है, मतलब चलो ये तो थोड़ा वैसे हो गया ना सरकास्टिक, बट गाइस खेती तो हम अभी करते ही नहीं है, हमारी जो खेती होती है वो थर्ड ईयर में होती है और उसके बाद होती है, ठीक है, बेसिकली अभी हम करते हैं थ्योरेटिकल स्टडी और फिर बाद में प्रैक्टिकल, और उसमें भी मैक्सिमम ऐसा होता है कि जो किसान होते हैं उनको नॉलेज हमसे ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपने एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस मैटर मोस्ट इन केसेस ऑफ प्रैक्टिकल्स, ठीक है, हम तो ज़्यादातर थ्योरी थ्योरी पढ़ी होती है, ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि कई बार हमें दिक्कत होती है अडाप्ट करने में। अगली मिथ, भाई तुम्हें तो ज़्यादा सिलेबस नहीं होता होगा, ठीक है, ज़्यादा तुम्हें काम क्या ही होगा, एग्रीकल्चर ही तो कर रहे हो, उसमें क्या ही होगा, बेसिक बेसिक होगा। तो क्यूटीज, बेसिक इज फॉर फर्स्ट ईयर, किसी भी 4 साल की डिग्री में फर्स्ट ईयर बेसिक होता है, ये सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं होता है, बट उसमें जो कोर्सेज होते हैं ना हमारे, इतने सारे कोर्सेज, भाई मैं फाइलें बना बना के मेरे हाथ में दर्द हो गई है, तुम किसी भी क्लास से पूछोगे ना, हमारे क्लास में किसी बच्चे से पूछोगे, भाई हालत ख़राब हो गई फाइलें बना बना के, ठीक है, पढ़ना का फाइलें नहीं ख़त्म हो रही, और मेरे जैसे जिनकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है तो उनका तो फाइलों में वैसे भी कम नंबर ही लगे हैं ऑब्वियसली, तो वो फाइलें भी बना रहे हैं, नंबरों का भी पता नहीं है, फाइलें बनाओगे कुछों का वाइव होगा कुछों का वो होगा, तो ऐसा नहीं चलता। हाँ तब तुमसे लोग क्या पूछेंगे, तुमसे लोग पूछेंगे ये तुम तो एग्रीकल्चर करो, तुम्हें तो ये भी पता होगा, तुम्हें तो वो भी पता होगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, मतलब मेरे को तो नहीं होता पता ना, जब तक मैंने पढ़ा नहीं होता या फिर मैंने खुद देखा नहीं होता है, हमें कई चीज़ ऐसी भी होती है जो नहीं पता होती है, जो MSc और PhD वाले होते हैं उनको पता भी होती है, ठीक है, सारी चीज़ें, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, हम बैचलर्स वाले ऐसे मंडरा रहे होते हैं बीच बीच में, कुछ
कुछ होता है जिनको पता होता है, जैसे हर क्लास में होते हैं कुछ जिनको ज़्यादातर सब पता होता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल में ना सिर्फ किनके ना 10 बच्चे होंगे ना जिनको पता होगा, ठीक है, वो भी वो होंगे जिन्होंने पहले से मतलब अपने घर में खेत कूद होते हैं उनको पता होता है, बाकी अपन लोग ऐसे करते हैं कि हम चले होते हैं, नहीं होता पता यार, और ऐसा नहीं होता, तुम डिग्री के बाद भी तुम्हें ना खुद ऐसे अवेयरनेस, पास होना अलग चीज़ है यार, नॉलेज अलग चीज़ है, ठीक है, तुम लोग बोलते हो ना कि ऐसे पता होना चाहिए नंबर अच्छे आने, ऐसा नहीं होता, तुम्हें अगर पता है ना, ठीक है, तो तुम्हें उसके लिए जैसे पता है ना तो तुम्हारे नंबर जरूरी नहीं है, देखो पेपर में तुम्हें लिखना है साइंटिफिक नेम्स वगैरह, फिर प्लांटेशन कैसे होती है कैसे होती, बट जो हम आइडियल चीज़ पढ़ रहे हैं वो ज़रूरी थोड़ी कि उस हैबिटेट के लिए वही सेम चीज़ हो, तो यू नेवर नो गाइस। अब हम अपने नेक्स्ट मिथ में आते हैं, पैसे ही पैसा होगा, एग्रीकल्चर कर लोगे, ठीक है, जॉब्स ही जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, एम्प्लॉय लग जाओ, ठीक है, तो मेरे प्यारी क्यूडीज कंपटीशन भी उतना ही है, ठीक है, अगर तुम्हें एडीओ बनना तो उसके लिए पोस्टें निकलती हैं कम, ठीक है, कंपटीशन होता है उतना ही ज़्यादा, तो भाई अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें तो भाई मेहनत करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि तुम्हें रिली पोस्ट खाली बैठी और तुम आओगे आ जाओ एंड पोस्ट बोलेगी तुम्हें ये लो तुम्हारे लिए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, और अगर पैसे बिजनेस वगैरह की तो रियलिटी चेक, हर किसी का बिजनेस कामयाब नहीं होता, ठीक है, उसमें भी तुम्हें हर बिजनेस की तरह एग्रीकल्चर के बिजनेस में भी वो कुछ स्कीम्स होती हैं, आई एग्री की कुछ स्कीम्स होती हैं, बट उसमें भी जैसे काफ़ी लॉसेस वगैरह के चांसेस होते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर जो होता है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है भाई, किसी दिन अच्छी क्रॉप लग गई किसी दिन नहीं लगी, फॉर श्योर सेफ्टी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मिथ, जब तुम्हारे फील्ड होते हैं तुम्हें तो कुछ काम करना नहीं होता होगा, तुम्हारे से तुम काम करवाते होंगे या फिर तुम्हारे पास मशीनें होती होंगी, तो मेरी प्यारी क्यूटीज तुम्हें खुद काम करना पड़ता है अपने इन हाथों से, एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मशीनें आपके लिए नहीं होती, आप कोई प्रोफेशनल तो हो नहीं अभी, मतलब अभी बने नहीं हो, तो आपको नॉर्मल नॉर्मल मिला होता है, आपको थोड़ा बहुत ऐसे फावड़ा मिलता है, ठीक है, उससे आप लगो, मतलब जो हमने सेकेंड ईयर में एक्सपीरियंस किया वो बता रही हूँ, आप थर्ड ईयर में आप इशू कर लो तो अलग बात है, बट इतनी हाई फाई नहीं मिलती, आपको खुद ऐसे थोड़ा बहुत करना पड़ता है, सोइंग वगैरह के नंबर होते हैं, ईल्ड के नंबर होते हैं, सो वो एक ही कोर्स है, उसके बाद ELP में थोड़ी बहुत प्लांटेशन वगैरह होती है, उसका अलग सीन होता है, मतलब फोर्थ ईयर तो प्रैक्टिकल और फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर थ्योरी थ्योरी थ्योरी, GP बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। नेक्स्ट मिथ, GP तो आपकी आई जाती होगी, उसमें क्या ही है, आराम से अच्छी GP चलती होगी, नहीं भाई सबकी नहीं आती, उनकी आती है जो अच्छे से याद करते हैं, पेपर अच्छे से देते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं, उन्हीं की आती है, हाँ बच्चे बोलते होंगे कि हम पढ़ते नहीं हम कुछ नहीं करते, मतलब मेरा ऐसा मानना है बिना बड़े GP नहीं आती है, बाकी किसी को गॉड गिफ्ट मिलो एग्रीकल्चर का तो आई डोंट नो, सो दैट वॉज ऑल, एंड आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और मिथ्स हैं एंड ऑल स्टफ है तो लेट मी नो, आई विल मेक अनदर वीडियो एंड लेट मी नो कि हाउ वॉज इट, इट वॉज फन और इट वॉज बोरिंग और समथिंग, सो लेट मी नो एंड बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।